Good morning, student. I am Parveen from Happy Cambridge School, your EVS teacher. आप सभी बच्चे जानते हो 16 अक्टूबर से आपके हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो रहे हैं और अब हमने उसके लिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, ठीक है। अभी तक जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ले रहे थे वो भी लाइव क्लास लीजिए बेटा। लाइव क्लास में ही मैं आपके टेस्ट लूँगी, ओके, ताकि आपकी रिवीजन बहुत अच्छी तरह से हो सके। ईवीएस में आपके लेसन 1 से लेसन 10 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, लेसन 10 है आपका, वहाँ तक आपका कोर्स है, सिलेबस है आवर हाउस मेकर्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पेपर में आएगा। लेसन 10 की मैं आपको ऑलरेडी रिवीजन करवा चुकी हूँ, सभी बच्चों के इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क याद हो गया होगा, ठीक है। आज मैं लेसन 9 की रिवीजन करवा रही हूँ, ओके बेटा। आज रिवीजन करनी है हमने लेसन 9 की। लेसन 9 है हमारा होम स्वीट होम, ठीक है। तो आज हम इसकी रिवीजन करेंगे, सभी ने इसे ध्यान से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखिए कि हमारे जो घर होता है उसमें कौन कौन से रूम होते हैं। तो फर्स्ट रूम देखिए, ड्राइंग रूम, DRAWING, ड्राइंग, ROOM, रूम, ड्राइंग रूम, ठीक है। सेकेंड, BED, बेड, ROOM, रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, ठीक है। और क्या होता है हमारे हाउस में, KITCHEN, किचन, किचन होती है ना सभी के घर में, रसोई, किचन। फोर्थ है BATHROOM, बाथरूम, बाथरूम होता है जहाँ आप नहाते हो, ठीक है। और होते हैं हमारे STORERROOM, स्टोर रूम, कौन सा रूम है ये, स्टोर रूम। नेक्स्ट है आपका DINING, डाइनिंग, ROOM, रूम, डाइनिंग रूम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका STUDY, स्टडी, ROOM, रूम, स्टडी रूम, ठीक है। तो ये तो हमारे डिफरेंट रूम्स होते हैं। चलिए अब हम इसका बुक वर्क देखते हैं। आंसर इन वन वर्ड, व्हाट डू यू डू इन योर बेडरूम, आप क्या करते हो अपने बेडरूम में। बेडरूम है, बेड लगा है तो बेडरूम है, उसमें हम क्या करते हैं, स्लिप, SLEEP, स्लिप, सोते हैं, है ना। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू डू इन योर स्टडी रूम, आप स्टडी रूम में क्या करते हैं। ऑफ कोर्स स्टडी रूम में हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, STUDY, स्टडी, ठीक है। फिलअप देखिए, पेस्ट सच एज ए रैट्स एंड इंसेक्ट्स आर, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे चूहे और बहुत सारे कीड़े मकोड़े और होते हैं, ठीक है ना, चींटियां हैं, खटमल हैं, मच्छर हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हार्मफुल, ये हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल, क्या है, हार्मफुल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई टेक रेस्ट एंड स्लीप इन माय, हम आराम करते हैं और सोते हैं, किस रूम में सोएंगे, आई टेक रेस्ट एंड स्लीप इन माय बेडरूम, BED, बेड, ROOM, रूम, बेडरूम। माय मदर कुक्स फूड इन द किचन, KITCHEN, किचन, माय मदर कुक्स फूड इन द किचन,
ठीक है। मम्मा खाना कहाँ बनाती है? किचन में ही बनाती है ना, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट को आपने राइट और रॉन्ग करना है। जो राइट है उस पर राइट लगाएंगे, जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग लगाएंगे। विंडोज स्टॉप लाइट एंड एयर टू कम इन द हाउस। जो विंडोज होती हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, वो लाइट को और एयर को, रोशनी को और हवा को स्टॉप, स्टॉप मीन्स रोक देती हैं घर में आने से। कम इन द हाउस, घर में आने से रोक देती हैं। बेटा जो हमारे घर की खिड़कियाँ होती हैं, आप बताओ जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो? खिड़कियाँ खोल देते हो ना। मामा कहती है खिड़कियाँ खोल लो थोड़ा सा, ठीक है। तो वो क्या रोकती है लाइट को और उसको, एयर को? नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। आई स्टडी इन माई स्टडी रूम, मैं अपनी पढ़ाई अपने स्टडी रूम में करता हूँ, हाँ, तो ये राइट स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ राइट आएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर देखिए। व्हाट इज ए हाउस? ए हाउस क्या है? ए घर क्या है? ए प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड अ होम। व्हाट इज ए होम? होम क्या है? ए प्लेस, एक जगह या एक स्थान, वेयर वी लिव इज कॉल्ड अ होम, जहाँ हम रहते हैं उसे हम घर कहते हैं।